राम राम जी सारे ने, मैं रणबीर धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आपने बेरा है कि सोशल मीडिया का टाइम है और आदमी वायरल होने में टाइम नहीं लगता। एक छोटी सी वीडियो क्लिप बाहर गई और आदमी वायरल होया। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा दुल्हंडी के टाइम पर एक रागिनी के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी उस भाई थे, और मुलाकात से पहले उनकी वो वीडियो क्लिप जो वायरल हुई थी। सर जी राम राम, जब तक आपकी यह वीडियो वायरल हुई है उस टाइम तक आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो और आपने इस चीज़ की मुबारक हो, और हमारे दर्शकों ने थोड़े से अपने बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दी हो। राम राम जी, मेरा नाम यशपाल सिंधु है, गांव खंडा खेड़ी है जी मेरा। मैं चीनी मिल में जॉब करता हूँ, अब रहता हिसार में। सर आपने बेरा था कि आपकी यह वीडियो क्लिप आपने इतना वायरल कर देगी कि सोशल मीडिया पर हर एक आदमी नहीं पूछ जाएगा कि यो भाई मानस कौन है। मानना तो जी के काम ना तो मारा तो रूंगा में भी कौन थी बात है। हम तो जो आम होली भाग हो नहीं नु आई साल अपना नु था किसी और नर वो के नाम तेरी रिकॉर्डिंग ना हमने नु था आइडिया पर रिकॉर्डिंग होगी कि ना होगी हमने आइडिया नहीं था ऐसा हो जाएगा। या तो आशीर्वाद सही सारी जो भी तो पब्लिक का आशीर्वाद। क्या आपने बेरा था कि आप भी इस तरह से या छोटा सा गाना के ऊपर डांस करके कसूती चीज बन जाओगे? या तो वीडियो आगे गई है नहीं जी फेसबुक पर और चीजा पर यूट्यूब पर जिस पर भी गई है जो भी जाना था रिश्तेदार यारा प्यारा मील आला और कोई भी तो जो गेम आला था जाना था भाई यशपाली साइशा था वो ही पागा पक्का फोन ना का तो जी ढूंढा इठा दिया और मन तो इतना वो था ही को नहीं। या तो जनता जनार्दन है जी। इस वीडियो क्लिप पे काफी कमेंट आए हैं जित भी मैंने घेरा की है, और सारे कमेंट सब हैं। एक कमेंट है जो मेरे दिल ने छू गया, और वो कमेंट है एक भाई का कि जब इतनी फोहड़ता फैलन लग रही है और होली के दिन तो खास करके जो ऐसे बता प्रदर्शित करी जाना आ रही है उस टाइम पे आपके द्वारा इस तरह से सब तरीके से होली को मनाना, और आपकी यह वीडियो एक हरियाणा हरियाणा में या आपके सारी शहर में नहीं देखी गई, यह वीडियो वायरल होगी तो हर एक जगह गई है, तो इस वीडियो तक एक संदेश तो जरूर गया है हरियाणा की सभ्यता का, हरियाणा के कल्चर का और हरियाणा की रागनिया का। इस चीज से आप कड़े तो मोटिवेट हुए। आज हम गांव में पैदा हुए हैं, हमारे गांव में रीति रिवाज होली का खूब होया करता। हमारे जो भी तो फादर थे वो बहुत रंगीन आदमी थे, मैं भी उनके साथ में उनको देखे देख के ना ऐसे उन्हें आई एक्टिंग सीख गया। और मामी जब गेमा मजा कर दे हमें जीत जान दे नहीं कबड्डी, और फिर हमारे जो भी जो टीम के प्लेयर होंगे वो हमें जीतना है बाद में ताड़ी पीट दे लेडीज वाले गीत गाए कि भाई तू नाच इस पल तो मैं जी ओड़ा भी है नहीं अपना ला जा ठुमके तो मैंने इस चीज का बड़ा शौक सा जी। आपकी इस वीडियो में आपके साथ साथ दो बहनें भी नजर आ रही हैं, बेटियां भी नजर आ रही हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा मतलब सभ्यता का परिचय दिया है, तो वो दोनों बहन व दोनों बेटी कौन है हमारे दर्शकों को तो बता दो ताकि उन्हें बेरा पटे अगर भाई हमारे हरियाणा के बालक इतने सभ्य है, सारे के सारे लोग हो चाहे उसमें लोग आई हो। इस वीडियो में जो दो लेडीज और मैं जो हमें नाचा नहीं तो आई साले हमें यू काम करा, और ये जो डांस वाली लेडीज है नी ये है अर्चना सुहासनी मैडम, इसका भी यूट्यूब पर चैनल है, ये भी अच्छी वो डांसर है बहुत अच्छी। और जो एक सातवां और थी वो एक हमारे यही हेडमास्टर जी हैं उनकी वाइफ है। आप खंडा खेड़ी के हो जो कि अपने आजाद सिंह जी जो अपने गायक हुए हैं प्रसिद्ध गायक हरियाणा उनके गांव के हो,
और उनके गांव के से तो ऑटोमेटिक सी बात है कि रागनिया के प्रति आपका लगाव से आप उनते प्रभावित हो या अपने हरियाणवी कल्चर से आपके साथ में ऑटोमेटिक जुड़ाव है। रागनिया का तो जी मैं छोटा सा लोगों में फैन था और मैं छोटा था नहीं जब रागनी सुन लेना नुना नुना थे और फिर मन शौक हो गया था मैं लिया कि ना पंडे पुंडे और टीप लिया करता टोगी ने टीप लिया कि बांध के उसका लागे ना पटक 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 कर फिर यो आजाद हो गया मेरा गांव में। फिर मैंने इस तो और भी हो गया शौक और फिर तो जो गेमा मुंदे भाई वो हन लिया होगा बड़े बाबा ने की तुझे लिया पालने पर लाइक लिया। रागनियों के अलावा आपने और के शौक हैं? रागनिया के अलावा खेल का भी शौक था मेरे को गेम का लंबी कबड्डी का। मैं यानी 95 में ऑल इंडिया चैंपियनशिप भी रहा हुआ हूँ और ये तो जी अपना हरियाणवी संस्कृति का तो होना होना चाहिए जी ये बात तो रहा ही नहीं बस एक आधा ही पाव है जी और जो जो रिवाज हुआ थे पहला उनका तो अलगे अब वो था जिंदाज। आज के टाइम पे जब हमारी हरियाणवी संस्कृति जो रागनी विधा समाप्त होने के कगार पे है सभ्यता नहीं बची हुई है संस्कार नहीं बचे हुए हैं और आपकी जो एक वीडियो क्लिप है उसके अंदर आपने एक मिश्रण कर दिया हमारी हरियाणवी संस्कृति का हमारे संस्कारों का और फूर्ता का एक विरोध भी एक किस्म से तो आप एक आइकॉन से बन गए समझ लो। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या आपके इस चैनल के माध्यम से आप के संदेश देना चाहोगे? मेरा तो कहना यू है जी जो हमारे जो हरियाणा के रीति रिवाज है नहीं उनके साथ में जुड़े रहना चाहिए और इसको इसको भूलना नहीं चाहिए ये हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है।